प्यारे बच्चों, अब हम कदम का पेड़ कविता का अभ्यास करेंगे। प्रश्न आपका है, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। धीरे, इसका विलोम शब्द है तेज। नीचे का ऊपर, हंसकर रोकर, बैठना उठना। बाहर का विलोम है अंदर और आता का जाता। बच्चों, अब हम अनुस्वार और अनुनासिक, इसके अंतर को समझकर कुछ शब्द लिखेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहा जाता है। बच्चों, जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंसकर, आंचल आदि। जिन वर्णों में अनुनासिक की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगाया जाता है। जैसे क्यों, मैं, नहीं आदि। बच्चों, अब हम इससे संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। बच्चों, सबसे पहले है आँखें, उसमें चंद्र बिंदु आएगा, आँखें। अगला है बच्चों कदम, इसमें बिंदु आएगा। उसके बाद है बांसुरी, इसमें बच्चों चंद्र बिंदु आएगा। माँ, इसमें भी चंद्र बिंदु आएगा। अगला है बंसी, इसमें केवल बिंदु ही आएगा। और अंत में है आंचल, इसमें बच्चों चंद्र बिंदु लगेगा।